अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, इसमें आपको दिखाएंगे एबटाबाद में न्यू सब्ज़ी मंडी के पास नस्ब होने वाले कोरोना फ्री गेट के बारे में। नाज़रीन, ये आइडिया सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, जंग में इस्तेमाल किया गया, और जंग के जो MPA हैं मौलाना मुआविया आज़म, उन्होंने ये काम शुरू किया। उसके बाद इस आइडिया को पूरे पाकिस्तान में कापी किया गया है। अभी वासा एबटाबाद ने इस तरह का गेट बनाकर इसको सब्जी मंडी के पास नस्ब किया गया है। तो नाज़रीन, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गेट सब्जी मंडी के पास नस्ब किया गया है। ये देखें, वासा का ऊपर लिखा भी हुआ है, लोगो भी बना हुआ है वासा का, और अदायात भी लिखी गई है कोरोना वायरस के हवाले से। आपके सामने देखें, लोग गेट से सब्जी मंडी में दाखिल होते हुए भी गुजर रहे हैं, और जिस वक्त वापसी पे आते हैं फिर भी गुजरते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त इकदाम किया गया है जी। आप देख सकते हैं सब्जी मंडी में कितनी रश होती है, और कोई पता नहीं होता, खुदा ना खास्ता अगर कोई मरीज़ सब्जी मंडी में मौजूद है तो वो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो ये ज़िली इंतजामिया की तरफ से, वासा की तरफ से इंतहाई ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया है, जिसके तहत इस गेट को बनाकर यहाँ इंस्टॉल किया गया। ये नीचे आप देख सकते हैं, बड़ा टैंक पड़ा हुआ है, और टैंक के साथ एक छोटी हाफ हार्स पावर की या एक हार्स पावर की मोटर लगाई गई है, और जिसके साथ पाइप लगाई गई है। अभी मैं बीच में से गुजर रहा हूँ, आप देख लें। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, मैं इस गेट के अभी गुजरा भी हूँ। इस गेट के अंदर सिस्टम ऐसा है कि छोटे छोटे स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं, जो हल्का हल्का पानी जो जिसमें सैनिटाइजर मिला हुआ है वो आपके ऊपर गिराता है, और आप उसके नीचे से गुजर रहते हैं। जिस तरह हल्की हल्की बारिश लगी होती है, बिल्कुल वही सिस्टम है। यह आप रोड पे भी देख सकते हैं, पानी बहता हुआ जा रहा है। तो नाज़रीन, सब्जी मंडी में सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा रश होती है, जिसकी वजह से खदशा होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई पेशेंट इधर हुआ तो उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये वासा ने बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया है, ज़िले इंतजामिया ने बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया है। उस साइड पर आप देख सकते हैं, एक ऑरेंज कलर की शर्ट पहने हुए वासा का मुलाजम भी खड़ा है, जो बहुत अच्छा इंतज़ाम है। वो वहाँ से लोगों को गाइड भी कर रहा है कि भाई इसके अंदर से गेट से गुजरें, लाजमी एक दफ़ा गुजर के जाएं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, और आवाम की अपनी सेफ्टी है। हमारी ज़िली इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस तरह के मुख्तलिफ गेट मुख्तलिफ जगह पर इंस्टॉल किए जाएँ, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रश होती है। और अगर आम मुखिया हज़रात और गवर्नमेंट मिलकर इस तरह गेट मस्जिद के बाहर भी इंस्टॉल कर दे, तो बाजमात नमाज भी हो सकती है, जुम्मे के इजमात भी हो सकते हैं। क्योंकि इस गेट के गुजरने के बाद कहते हैं कि बंदे से वायरस, अगर उस बंदे के साथ कोई वायरस वगैरह हो तो वो उतर जाता है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, उम्मीद है इस तरह के अच्छे इकदाम गवर्नमेंट और जगह पर भी करेगी जहाँ इजमात होते हैं।